दोस्तों नमस्कार। क्या फीलिंग बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तो लग रहा जीवन का बहुत बड़ा, आज का दिन शायद मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। मैं चाहूंगी इस दिन के लिए और ऊपर वाले के लिए जबरदस्त ताली हो जाए। थैंक यू। दूसरा धन्यवाद मैं उस शख्स को देना चाहती हूँ जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ, जिसकी बदौलत शायद ये मंच मिला हुआ है और जिसकी बदौलत मैं बोल पा रही हूँ। मैं चाहूंगी मेरे गुरु अवधेश यादव के लिए एवं जबरदस्त ताली हो जाए। थैंक यू। तीसरा धन्यवाद मैं अपने माँ बाप को देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे जन्म दिया और जिनकी बदौलत मैंने इस धरती पर जन्म लेने के बाद आज इस मुकाम पर पहुंच रही हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं उस शख्स को देना चाहती हूँ, मेरे मेंटर मिस्टर परशुराम सर, घनश्याम सर और बीबी सर के लिए मैं चाहूंगी अब तक की सबसे जबरदस्त ताली हो जाए। दोस्त अगर सर ना होते तो आज मैं यहाँ पे ना दिखती। थैंक यू। थैंक यू। नाम मेरा अंजना है और रहने वाली मैं कानपुर की हूँ। और इस बिजनेस को पढ़ने पहले दोस्त मैं सिर्फ थोड़ा सा 5 मिनट आप सभी लोगों का लेना चाहूंगी। इस बिजनेस को करने से पहले मैं प्राइवेट टीचर थी और पुलिस मॉडर्न स्कूल यहीं आपके 37 वाहिनी कानपुर में है, वहीं पे मैं पढ़ाया करती थी। बहुत छोटी सी नौकरी थी, बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं था, वहाँ पढ़ाया करती थी। वहीं पे एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, इंद्र कुमार सर से। मैं चाहूँगी सर के लिए भी ये बात जबरदस्त ताली हो जाए। थैंक यू। सर मुझे ले गए अवधेश सर के पास और ले जाकर बताया कि मैडम अगर आप इस बिजनेस को अगर आप अवधेश सर से मिल लेती हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। और सच बताएं दोस्त 2500 रुपये की मैं नौकरी कर रही थी उस समय, जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब लोग बताते हैं तो देखने के लिए हम सभी लोग जाते हैं। मैं गई और छोटे से रूम में मेरी अवधेश सर से मुलाकात हुई और सर ने मुझे प्रेजेंटेशन दिखाया। अब किसी को क्या समझ में आता है क्या नहीं समझ में आता है मुझे नहीं पता। दोस्त इस बिजनेस में मुझे ना कपड़ा खरीदना पसंद आया, ना टीम बनाना पसंद आया, ना पैसा पसंद आया। मुझे इस बिजनेस में सिर्फ सिक्योरिटी समझ में आई थी, क्योंकि उन्होंने श्याम सुंदर दास जी की सिक्योरिटी दिखा दी थी और सिर्फ एक बात बोला था कि मैडम ये भी टीचर थे बिजनेस करने से पहले और आप भी टीचर हैं। इन्होंने 2003 में बिजनेस शुरुआत करी थी, 6 में डायमंड हो जाते, 2007 में कार एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई थी। आज अगर खुदा ना खास्ता अगर ये बिजनेस न कर रहे होते तो आज इस परिवार के साथ क्या होता। ये बात मेरे अंदर क्लिक कर गई थी। मेरा एक बेटा है, आप सभी लोगों ने देखा है, मैंने बोला अगर मैं इस बिजनेस को अगर नहीं करती हूँ, अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ अगर कुछ हो गया तो शायद मेरे बेटे को किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। मैंने इसीलिए मैंने बिजनेस की शुरुआत करी। थैंक यू। लोगों को बताया जाता है, लोगों को समझ नहीं आता। इतना बड़ा बिजनेस, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, लोगों के घर दरवाजा खटखटा रही है और लोग बोलते हैं छोटा सा बिजनेस, मेरे स्टेटस का नहीं है। आज स्टेटस समझ में आ जाएगा क्योंकि हमारे गुरु हमारे बीच मौजूद है। बोला जाता है कि प्रूव करके दिखा दीजिए, आज मैंने प्रूव करके दिखाया। दोस्त आज मेरी फैमिली यहाँ पे खड़ी है, आपने देखा ना, आज तक मेरी फैमिली से कोई भी व्यक्ति नहीं नजर आया था। शायद आप सभी लोग जानते, पहली बार सभी लोगों ने यहाँ पे देखा है। अब बात आती करने की, जैसे गुरु जी लोगों ने हर पल हम लोगों का साथ दिया है, अब बात मैं करने के लिए जब मैं निकली तो बहुत सारे चैलेंज मुझे एक्सेप्ट करने को मिले। समझ में तो आ गया कि बिजनेस में करना क्या है, क्यों करना, रीजन भी क्लियर हो गया क्योंकि सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है। समझ में आ गया जब करने के लिए मार्केट में जब निकले तो बहुत सारे चैलेंज मिले दोस्त हमको। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन बोला जाता है ना अगर आपके साथ अगर कोई है ना तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। और हमारे साथ कोई और नहीं था दोस्त, हमारे मेंटर हमारे साथ हर पल हर शख्स हर जगह मौजूद रहते थे और हर जगह मुझे जब जब कमी किसी चीज की महसूस हुई मैं चाहूंगी हमारे तीनों मेंटरों के लिए बहुत जबरदस्त ताली हो जाए। थैंक यू। और यहाँ पे जो मेरी टीम, प्यारी सी टीम बैठी है जिसकी बदौलत मुझे ये स्टेज मिला है, मैं चाहूंगी उसके लिए भी बहुत जबरदस्त ताली हो जाए। दोस्त अगर ये टीम मेरा साथ ना देती तो शायद ये मंच मुझे कभी ना मिलता, क्योंकि मैं एक नॉर्मल परिवार की लेडीज थी और 2500 रुपये कमाने वाली
मंच उसका स्वागत कभी नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्त ये मंच उन्हीं लोगों का स्वागत करता है जो करके दिखाते हैं। और 2500 रुपये कमाने वाली लेडीज करके नहीं दिखाते, लेकिन कहते नहीं, अगर आपके पीछे कोई शख्स है जो आपको ढकेल रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है, तो ही आपको ये मंच मिल सकता है।